गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। तो ये दोनों टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे ले ऑफ की। ले ऑफ का मतलब होगा कि जब एम्प्लॉयर इनकैपेबल होता है, मतलब अयोग्य होता है या वो उतना सक्षम नहीं होता है अपने वर्कर को लगातार काम देने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वर्कर फैक्ट्री में आया है और आज एम्प्लॉयर के पास उसको देने के लिए उतने घंटे का काम नहीं है, या यूँ लगा लीजिए कि आज काम ही नहीं है उसके पास, ठीक है। अब वो उसकी इनकैपेबिलिटी मानी जा सकती है, पर वो इनकैपेबिलिटी बहुत सारे रीज़न की वजह से क्रिएट होती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। तो अपनी इनकैपेबिलिटी की वजह से जब वो रिफ्यूज़ कर देता है वर्कर को, मना कर देता है काम देने से, अब ये जो रिफ्यूज़ल है वो परमानेंटली नहीं है। तो डिपेंड करता है कि मान लीजिए किसी दिन काम ज़्यादा है तो वर्कर्स को बुला लिया जाएगा, या वर्कर आया है तो उसको काम मिल जाएगा, और अगर काम नहीं है तो वर्कर आने के बावजूद भी उसको काम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं होगी, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग हो सकती है। तो दैट वी कैन से दैट इज़ द जो सिचुएशन है, वी कैन से दैट इज़ ले ऑफ, राइट। सो ले ऑफ मीन्स द टेम्परेरीली रिफ्यूज़ल ऑफ वर्क और सर्विसेज टू दैट वर्कर who is present at that time in the factory or in that industry, right? Worker काम चाहता है करना, ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाह रहा है, वो चाहता है काम करना, वो willing है काम करना, but employer के पास उसको देने के लिए आज काम नहीं है या उस shift में काम नहीं है। आप कई बार क्या होता है कि कुछ workers shift में काम करते हैं, right? तो मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में अगर एक वर्कर आया है, लेकिन आज उसके पास मॉर्निंग में हमें देने के लिए उसके पास काम, उसको देने के लिए हमारे पास काम नहीं है, बट हम उसको कह सकते हैं कि आप वेट कीजिए, आपको इवनिंग शिफ्ट में हम ज़रूर कोई ना कोई काम दे देंगे। तो मान लीजिए इवनिंग में भी नहीं देते, तो इस तरीके से ये सिचुएशन जो है वो कभी कभी आ सकती है। तो इस परिस्थिति को हम ले ऑफ कहेंगे। ये बहुत सारी रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है जिसकी वजह से अभी हम काम नहीं दे पाएंगे, कुछ मशीनरी का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ले ऑफ मीन्स की रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है डजंट कम टू एन एंड, वो ख़त्म नहीं हुआ है। वर्कर को जानबूझकर काम नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं है, काम है नहीं इसलिए हम नहीं दे रहे उसको, ठीक है। तो हम जो डिनाई कर रहे हैं उसको वर्क के लिए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। अभी हम उस रीज़न को फाइंड आउट करके उसको ठीक ठाक करेंगे, तब तक तो हमारे पास अभी काम नहीं है ना। सो दैट्स वाई वी हैव टू डिनाई द वर्कर, राइट। दैट मीन्स दैट पोजिशन इज़ दैट स्टेटस इज़ ले ऑफ, राइट। तो देयर आर सम असेंशियल्स, देयर आर सम थिंग्स जो कंडीशंस हैं जो ले ऑफ के लिए या ले ऑफ को ले ऑफ क्यों कहेंगे उसके लिए ज़रूरी हैं। जैसे एम्प्लॉयर का फेलियर है, इनकैपेसिटी है कि ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द वर्क। दूसरा वर्कर का नाम, ये ध्यान में रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्कर का नाम मस्टर रोल में होना चाहिए। मस्टर रोल, मस्टर रोल मीन्स आप ये सिंपल सा मान के लीजिए, एक रजिस्टर है जो एम्प्लॉयर ने अपने पास रखा हुआ है, जिस पर वर्कर आपके अपने आके अपनी अटेंडेंस लगाता है, या उसमें उसकी आने का और जाने का टाइम होता है निश्चित, और जहाँ उसका नाम, जिसमें उसका नाम लिखा जाता है, मतलब मेन जो हमारा फोकस है वो स्टेज पर रहना चाहिए। तो वो वर्कर उस रजिस्टर मतलब उस एम्प्लॉयर के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर एक वैलिड रीज़न होना चाहिए काम ना देने का। वैलिड रीज़न में कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल की कमी हो सकती है, वैलिड रीज़न में फेलियर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो ले ऑफ है वो अनरिलेटेड टू रिट्रेंचमेंट है। अभी हम रिट्रेंचमेंट में भी पढ़ेंगे कि वर्कर को परमानेंटली काम से हटा दिया जाता है। जैसे ले ऑफ है उसमें तो टेम्परेरीली आप काम नहीं दे पा रहे ना, लेकिन रिट्रेंचमेंट में तो परमानेंटली हटा दिया। सो ले ऑफ इज़ नॉट लाइक रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिट्रेंचमेंट, राइट।
दैट इज़ अनरिलेटेड टू रिट्रेंचमेंट. एंड द लास्ट वन इज़ एम्प्लॉयर्स इनकैपेसिटी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो आपको बात बता चुकी हूँ. अगर ये परमानेंट हो गया फिर तो ये रिट्रेंचमेंट बन जाएगा, ठीक है. और अगर टेम्प्रेरी है तो ये ले ऑफ कहलाएगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉजेज ऑफ ले ऑफ. जैसे मैंने बताया कि ले ऑफ के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो मशीनें नहीं चल पाएंगी तो वर्कर्स को हम काम कैसे दें, तो उस दिन हमें काम के लिए उसको मना करना पड़ेगा. पानी की कमी है, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा इंटरफेरेंस है या कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि देर इज़ समथिंग टू बी सॉर्टेड आउट, तो गवर्नमेंट को कई कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, मान लीजिए अभी हम वो पूरी नहीं कर पाए हैं और उसको पूरी किए बगैर हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते. शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेचुरल कलामिटीज़, मान लीजिए कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स आ गई हैं. मान लीजिए अभी कोविड के दिनों में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, अब वो परमानेंटली बंद तो नहीं हुई है, लेकिन जब तक सरकार ने को लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन रखी तो उस दौरान तो वो सब बंद रही ना, तो अब वर्कर्स को काम नहीं दिया जा सकता. क्यों? एम्प्लॉयर तो रूल्स को तोड़कर उन्हें काम नहीं दे सकता था, ठीक है. डैमेज ऑफ मशीनरी, अब मशीनरी अगर ख़राब हो गई है तो मशीन अगर ख़राब है तो वर्कर कहाँ पर काम करेगा, राइट. तो इट मीन्स कि वी हैव टू डिनाई हिम दैट वर्क, राइट. सो दीज आर द मेन सर्कमस्टांसेज और दीज आर मेन रीजन्स, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स जो है ले ऑफ की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीट्रेंचमेंट. रीट्रेंचमेंट को हम हिंदी में छंटनी कहते हैं, मतलब छांट देना मतलब फिल्टर कर देना कि हमें कितने वर्कर, मान लीजिए हमारे पास 100 वर्कर काम कर रहे हैं, बट अभी हमें लग रहा है कि देर इज़ सॉलिड रीज़न कि हमें इसमें से 10 वर्कर को हटाना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है. अब वो 10 वर्कर को क्यों हटाना पड़ेगा, देर में भी सो मैनी रीजंस बिहाइंड दैट. लाइक आपका एक डिपार्टमेंट परमानेंटली बंद हो गया है, आप लगातार लॉस में जा रहे हैं, आप जो है आपको अब वो रॉ मटेरियल मिलना परमानेंटली बंद हो गया है, उसके चक्कर में जो है आपका अब वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, तो आपने उस प्रोडक्ट का बनाना बंद कर दिया है. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो रिट्रेंचमेंट की वजह बनते हैं, ठीक है. तो रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या हुआ, रिट्रेंचमेंट का मतलब व्हेन वी परमानेंटली टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ आवर वर्कर्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिसिप्लिनरी एक्शन. अभी किसी वर्कर को आपने सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि वो कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई मिसबिहेव कर रहा है, नो. वर्कर्स को हटाना हमारी मजबूरी थी, बिकॉज वो कई सारे रीज़न हैं जो वजह बनते हैं हमारी रिट्रेंचमेंट के. लेकिन वर्कर्स के मिसबिहेव की वजह से अगर आपने उसको हटाया है, वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता, वो कुछ और ही, हम उसको टर्मिनेशन कह सकते हैं, हम उसमें पनिशमेंट उसको बोल सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो वर्कर का और मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि वर्कर को तो काम पर से हमेशा के लिए हटा दिया गया है, ठीक है. और टर्मिनेशन की जब तक बात है, तो टर्मिनेशन का मतलब नौकरी से हटाना है, लेकिन टर्मिनेशन की वजहें बहुत और भी हो सकती है. जैसे स्पेशली टर्मिनेशन किया जाता है जब वर्कर जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, इलीगल स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व है और इस तरीके की चीज़ें हैं, तो टर्मिनेशन उस केस में किया जाता है. लेकिन अगर आपने हालांकि रिट्रेंचमेंट में भी टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन का मतलब होता है आपकी सर्विसेज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, दैट इज़ टर्मिनेशन, राइट. बट टर्मिनेशन का रीज़न हमेशा रिट्रेंचमेंट रहे ये ज़रूरी नहीं है. टर्मिनेशन हर रिट्रेंचमेंट को टर्मिनेशन बोलोगे इसमें कोई डाउट नहीं, बट हर टर्मिनेशन को रिट्रेंचमेंट कहेंगे इसमें डाउट है, क्योंकि टर्मिनेशन बहुत और रीज़न से भी हो सकता है, ठीक है. रिट्रेंचमेंट की जो रीज़न है वो ये है कि नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास ज़्यादा हैं, काम हमारे पास अब परमानेंटली कम हो गया है, रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे थे उस पर बैन लग गया है, अब तो हम वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे, हमारे सप्लायर जो है अब वो अपना हाथ खींचने लगे हैं, अब हमें कोई सप्लाई करने को तैयार नहीं रॉ मटेरियल. इसके अलावा कोई इंडस्ट्री का ब्रांच है हमारा, वो परमानेंटली बंद हो गया या हमारी इंडस्ट्री टोटली बंद हो रही है.
इसके अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से अब हमें कुछ लोगों को हटाना पड़ रहा है परमानेंटली, हमारी एस्टेब्लिशमेंट लगातार लॉस में जा रही है। इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वर्कर अपने काम से 45 दिन से लगातार छुट्टी पे है, पिछले 12 महीनों में 45 डेज मिनिमम उसने छुट्टियां की हैं कंटिन्यूसली, राइट, तो या एब्सेंट रहा है वो, राइट। देखिए, एक छुट्टी करना एक अलग बात होती है, अगर उसकी सैंक्शन लीव है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विदाउट एनी रीज़न ही इज़ ऑन लीव फॉर कंटिन्यूसली 45 डेज, इन दैट केस हमें उसको रिट्रेंच करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज़ बिहेवियर और कैरेक्टर ऑफ ए वर्कमैन इज सच दैट इट हैज़ ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अभी यहाँ पर वो सामने से कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है कि उसका बिहेवियर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मे बी हमें उसको रिट्रेंच करना होगा। यहाँ हम उसको इसको हम इनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं मान रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इनडिसिप्लिनरी एक्शन में तो यही होगा कि डायरेक्टली वो कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारे अगेंस्ट, देन हमारे को उसको आगे से जाकर टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज हटानी पड़ेगी, तो फिर वो एक पनिशमेंट वाला सीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए उसको रिट्रेंचमेंट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि हमें लग रहा है कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा डायरेक्टली गलत नहीं है बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ला रहा है दूसरे वर्कर्स पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिट्रेंचमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन लेआउट एंड रिट्रेंचमेंट। तो लेआउट नहीं, सॉरी, लेऑफ। तो लेऑफ का जो सेक्शन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो 2KKA है, इसका 2OOO है, राइट। अभी ले ऑफ में अगर आप किसी वर्कर को ले ऑफ पे जाने जा रहे, मतलब आप उसको काम नहीं दे रहे हो उस दिन उस शिफ्ट में, आपको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, पर रिट्रेंचमेंट में नोटिस देना पड़ेगा। अब अगर आप किसी भी वर्कर को काम से हटाते हो तो यू विल हैव टू गिव अ नोटिस, आप उसको पहले नोटिस दोगे। ऐसे नहीं है कि आपने आज बोल दिया कि कल से काम पर मत आना, ये नहीं हो पाएगा। ऑल वर्कमैन आर अफेक्टेड। अब यहाँ पर ले ऑफ में सभी वर्कर बेचारे चपेट में आएंगे, ये नहीं है कि आप एक ही वर्कर को बार बार काम के लिए मना कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। पर रिट्रेंचमेंट में देयर इज़ ए सिस्टम कि कौन से 10 वर्कर हटाने हैं, तो वहाँ पे कुछ सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट। और मान लीजिए जो सबसे पहले वर्कर आया था उसको सबसे लास्ट में हटाया जाएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा रिट्रेंचमेंट हमेशा उसका सबसे पहले होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा डिफरेंसेस की बात करें, रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अभी ले ऑफ में तो क्या हुआ कि टेम्परेरीली आपको काम नहीं दिया ना, पर आपको ये तो नहीं कहा कि आप परमानेंटली मत आओ, इसका मतलब आपका और आपके एम्प्लॉयर का रिश्ता तो अभी बना हुआ है। लेकिन रिट्रेंचमेंट में तो आपको परमानेंटली मना कर दिया कि जी कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं, कारण अब हमारे पास काम बिल्कुल बंद हो गया है, अब हम आपको बिल्कुल काम नहीं दे पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ वर्कमैन एट प्लेस ऑफ वर्क इज़ नेसेसरी। डेफिनेटली वर्कर आया है बट उसको काम नहीं मिला, बट ही इज़ विलिंग ना, वो आया है क्योंकि अभी वो काम करना चाहता है। रिट्रेंचमेंट में अब आपके आने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि आपको तो काम से परमानेंटली हटा दिया गया है, तो आपका प्रेजेंस वहाँ होना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या, प्रेजेंस होना ही नहीं है आपको, आपका प्रेजेंस नहीं चाहिए वहाँ। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत लगा, ये ठीक से नहीं लिखा गया, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर ले ऑफ की स्थिति में कुछ टाइम के लिए काम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वर्कर्स को काम पर नहीं बुलाया जाता या उसको उस शिफ्ट में काम पे नहीं रखा जाता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बंद नहीं होता है, काम तो चल ही रहा है ना। अब रिट्रेंचमेंट में ये हो जाता है कई बार, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। रिट्रेंचमेंट में ये हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपने एक अंडरटेकिंग पूरी बंद कर दी, 1% चाहे, ठीक है, अब पूरी बंद कर दी, आपकी एक ब्रांच बंद हो गया, दूसरी ब्रांच चल रही है, एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया, दूसरा डिपार्टमेंट चल रहा है, तो वो जिस डिपार्टमेंट को आपने बंद किया है उस डिपार्टमेंट के तो सारे वर्कर ख़त्म हो गए ना, चले गए मतलब, तो वो डिपार्टमेंट में हालांकि हम अभी यहाँ पे टोटली ना तो यहाँ पे काम बंद होगा ले ऑफ में, ना ही रिट्रेंचमेंट में होगा। रिट्रेंचमेंट में काम कम जरूर हुआ है परमानेंटली, बंद वहाँ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे भी काम परमानेंटली कम नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान में रखना। ले ऑफ में काम परमानेंटली कम नहीं हुआ है, इसलिए जब भी काम आएगा हम आपको पक्का बुलाएंगे और आपको देंगे काम। रिट्रेंचमेंट में काम परमानेंटली बंद हो गया है, उतना काम जितने लोगों को हमने हटाया है। उसके बाद आ रहा है कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन।
अभी ले ऑफ में कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाता है? मान लीजिए आप काम पर आए और आपको काम नहीं दे रहे हैं, अब आपका क्या कसूर है इसमें, राइट? तो आपको क्या करेंगे, आपको आधा पर जितनी वेजेस आप मान लीजिए आप 200 रुपये ले रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे हर दिन के। अगर आप पर 200 पर डे ले रहे हो तो आपको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे जितने दिन आपको काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉम्पनसेशन अलग टाइप से होता है, यहाँ होता है 15 डेज़ यानी कि 15 दिन की सैलरी। आपने मान लीजिए 25 साल जॉब की है तो 25 साल के हिसाब से 25 महीने लेकर यानी कि हर ईयर का एक महीना हम ले लेंगे, सॉरी एक महीना नहीं, हर ईयर के 15 दिन के हिसाब से आपको एवरेज सैलरी मिलेगी। ये एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, 15 डेज एवरेज वेजेस। आपको हर महीने के मतलब हर ईयर के हिसाब से जितने ईयर आपने जॉब की है ना उस ईयर के 15 दिन के हिसाब से एवरेज जो है वो वेजेस मिल जाएगी। ये सिर्फ रिट्रेंचमेंट में होगा, ले ऑफ में आपको 50% वेजेस का पार्ट मिलेगा। तो ये था हमारा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, राइट? मीन्स कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, तीन सेक्शन हैं जो आगे आने वाले हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कौन कौन से हैं। एक है सेक्शन 25C, ये बताता है वर्कर्स के कुछ राइट्स हैं। अगर वर्कर्स को आप रिट्रेंच करते हो या आप ले ऑफ करते हो तो देयर आर सम राइट्स जो वर्कर्स को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा 25D है, ये ओ नहीं है, 25D है। ये कहता है कि आपको वर्कर्स का मस्टर रोल बनाना है, मस्टर रोल मतलब एक रजिस्टर मेंटेन करना है। और एक सेक्शन है 25E जिसमें ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, जैसे रिट्रेंचमेंट में हमने अभी कॉम्पनसेशन का जिक्र किया। तो ये तीन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आगे आने वाले हैं, हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है उसमें इन तीन सेक्शन का क्या रोल है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री सीजनल है, क्या होता है कि कभी कभी किसी इंडस्ट्री में इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ सीज़न में होता है, तो ऑब्वियसली ऐसे जगहों पर सीज़न में काम ज़्यादा होगा और जब ऑफ सीज़न होगा तो काम वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो अगर कोई सीजनल फैक्ट्री है या सीजनल इंडस्ट्री है तो ये बताया गया है कि वहाँ पर इन तीनों सेक्शन का फॉलो करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो सीजनल है। इसलिए अभी सीजनल है तो वर्कर को पहले से पता होना चाहिए ना कि भाई सीजनल है तो जब सीज़न आएगा तो काम मिलेगा और जब सीज़न नहीं होगा तो काम से हटा दिया जाएगा। इसीलिए पहले से ही ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो सीजनल फैक्ट्री या इंडस्ट्री होगी वहाँ पर ये सेक्शन लागू नहीं होंगे, इसलिए वहाँ का एम्प्लॉयर ना तो रजिस्टर मेंटेन कर सकता है, मतलब करना चाहे तो एक अलग बात है लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके लिए। दूसरी बात, उसको वहाँ के वर्कर को वो सारे राइट्स देने की ज़रूरत नहीं है जो 25C कह रहा है। सिमिलरली वहाँ अगर वर्कर्स को रिट्रेंच किया जाता है तो उसको वो कॉम्पनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ में दिया जाता है, ठीक है। तो सीजनल फैक्ट्री में ये सारी एग्जेम्पशन हमारे को मिलती हैं। अभी सीजनल फैक्ट्री का मतलब क्या है, तो इसके लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसीज़न इस बारे में लेती है कोई भी इंडस्ट्री सीजनल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हालांकि 25C, D और E के लिए हमने जो एक सीजनल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है वो कह रहा है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट में, माइंस एक्ट में और प्लांटेशन लेबर एक्ट में सीजनल फैक्ट्री इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन दी गई है वही जो है उसके अकॉर्डिंगली ही हमने देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री सीजनल है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आज आपने बात की ले ऑफ की, रिट्रेंचमेंट की, दोनों के डिफरेंस की और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और कुछ प्रोविजंस लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।